रिसेंटली आप लोग अपने स्क्रीन पे देख सकते हो भाई, यहाँ पर जो लिमिट अप्रूव की गई है वो की गई है 75,000 75,000 रुपीज़ की, और जो लिमिट है वो भी निकाल ली गई है। अवेलेबल लिमिट यहाँ पर आप लोगों को 0 देखने को मिलती है। लेकिन सबसे अच्छी इस एप्लीकेशन की ये बात है कि भाई यहाँ पर आपको 2 मिनट के अंदर क्रेडिट लाइन मिल जाता है। वैसे मैं आपको बता दूँ, ये क्रेडिट लाइन है, पर्सनल लोन नहीं है। इस क्रेडिट लाइन को आप इनडायरेक्टली अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो। फ्लेक्सिबल मल्टीपल, यहाँ पर आप लोगों को EMI का ऑप्शन मिल जाएगा। जो भी अमाउंट को आप विड्रॉल करोगे उसकी आप एक फ्लेक्सिबल अमाउंट को EMI में कन्वर्ट कर सकते हो और मंथली की EMI पेमेंट भी कर सकते हो। भाई देखिए, JP जो एप्लीकेशन है अभी तो यहाँ पर काफ़ी लोगों को नहीं मिला है, लेकिन हाँ काफ़ी लोगों को मिला है। जिनका सिविल 700 या 700 प्लस है उनको ईजिली मिल जाता है। अब जिनका 800 है उनको भाई 1,00,000, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, यहाँ तक कि 10 लाख रुपये तक की लिमिट मिलती है, वो भी विदाउट इनकम प्रूफ। यहाँ पर एक ऑप्शन आप लोगों को देखने को मिल जाता है, इंक्रीज लिमिट। अगर आप चाहो तो अपनी लिमिट को इंक्रीज कर सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको सैलरी स्लिप और बैंक स्टेटमेंट की नीड पड़ने वाली है, क्योंकि ऐसे लिमिट आपकी इंक्रीज नहीं होगी। अगर आप टर्म टू टर्म इसकी रिपेमेंट करोगे तो 6 मंथ के बाद ऑटोमेटिकली आपकी जो लिमिट है वो इंक्रीज कर दी जाएगी 80-85%। अगर आप चाहते हो कि इनडायरेक्टली मैं खुद करना चाहता हूँ तो यहाँ पर इंक्रीज का एक ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करके अपना बैंक स्टेटमेंट और सैलरी स्लिप अपलोड करके यहाँ पर आप अपनी लिमिट को इंक्रीज कर सकते हो। अब आप देखिए, अब आपको अप्लाई कैसे करना है, देखिए मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे कुछ नहीं करना है, एप्लीकेशन को डाउनलोडिंग कर लेना है। एप्लीकेशन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपको साइन अप करना होगा, बेसिक सी डिटेल डालनी होगी और क्रेडिट लाइन आपकी अप्रूव हो जाएगी। कहीं भी आपको इनकम प्रूफ अपलोड करने का ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलने वाला है। 6 मिनट मतलब 6 मिनट के अंदर अंदर ये क्रेडिट लाइन आपके लिए अप्रूव हो जाएगी, और क्रेडिट लाइन को अप्रूव करने के बाद इमीडिएट करना होगा, जिससे कि आपको डायरेक्टली जो है आपका जो पैसा है वो आपके अकाउंट में आ जाए और ऑटो डेबिट सेटअप हो जाए। इससे क्या होता है कि EMI भी ईजिली कट जाती है और जो फ्लेक्सिबल अमाउंट होता है वो आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। भाई बहुत अच्छी एप्लीकेशन है, मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा कि एक बार जो है यहाँ से ट्राई जरूर करिएगा। जो भी अमाउंट को आप स्पेंड करोगे उसे आप कन्वर्ट कर सकते हो EMI में। प्लस पॉइंट, अगर आप नहीं चाहते कि भाई मैं इसको EMI में कन्वर्ट नहीं करना चाहता, तो आपको 40 या 45 डे का टाइम पीरियड मिलेगा इसकी रिपेमेंट करने का। थोड़ा सा इंटरचार्ज लगेगा, ज़्यादा इंटरचार्ज नहीं लगेगा, लेकिन मज़ेदार एप्लीकेशन है भैया, सभी को मिल रहा है, मैं तो सीधे रिकमेंड करूँगा। 75,000 रुपये की क्रेडिट लाइन, वो भी इंटरेस्टिंग वाली बात है। बट अगर आपको ट्राई करना है तो आप लोग ट्राई कर सकते हो।